हाय फ्रेंड्स, वेलकम हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। ये फ्रेंड टेस्ट नंबर 75 ही है, लेकिन पार्ट टू है। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने की वजह से क्या हुआ, इसका पार्ट टू बनाना पड़ गया हमें। ठीक है, इसके पहले फ्रेंड्स पार्ट वन आ चुका है 75 टेस्ट नंबर का। इसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। और हम यहां से क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करते हैं। और 75 टेस्ट नंबर वन में हमने क्या किया है, वहां से 1, 2 से 34 क्वेश्चन तक सिलेक्ट किया है और कंप्लीट कराया है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से क्या हुआ है, इसे हमें दोबारा बनाना पड़ गया। इसलिए ये पार्ट टू है 75 का ही। और पार्ट वन का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप रिवाइज करें और अपना टेस्ट दे सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 आप देख लें, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 35 पे लिखा है, जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होती है। हाउ टॉल इज द न्यू बॉर्न बेबी, जो होता है एट बॉर्न, कितनी लंबाई होती है उसकी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अपना आंसर बताएं। ऑप्शन होगा इसका डी, 45 से 55 सेंटीमीटर के बीच में एक न्यू बॉर्न बेबी की क्या होती है, लंबाई होती है, नवजात शिशु की जो लंबाई होती है 45 से 55 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, ये रेंज दिया गया है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। हिंदी में भी 45 से 55, 45 से 55 सेंटीमीटर के बीच में एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है एट बर्थ टाइम, उसकी जो लंबाई होगी इसके बिटवीन होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है, द एवरेज लेंथ ऑफ दी फुल टर्म्स बेबी एट बर्थ। जब एवरेज लेंथ की बात करेंगे तो 50 सेंटीमीटर में अगर आंसर होगा तो करेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर ये सही माना जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, 45 से 55 के बीच में आंसर है। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, आपको ये रेंज पूछी जाती है, जब अगर रेंज ना हो तो आपको आंसर बताना होगा 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर। इंचेज में बात करें तो आप बताएंगे 20 इंच के आसपास की। ठीक है, 20 इंच के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 36 पे लिखा हुआ है, बच्चों एवं किशोरों में मोटापे की सही व सटीक पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। विच इज यूज फॉर दी एक्यूरेट एंड दी एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओबेसिटी इन चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट। क्या होगा आंसर इसका, बच्चों में जो किशोरों में मोटापे की जो सही सटीक जानकारी प्राप्त की जाती है वो किसके माध्यम से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन होगा इसका ए, BMI के माध्यम से किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो BMI हैज बिकम स्टैंडर्ड एज द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द ओवरवेट एंड ओबेसिटी। इससे क्या होता है, कितना व्यक्ति कौन मोटा है, क्या ओवरवेट है, कैसा है, इससे फ्रेंड्स पता चलता है। किससे, BMI से। आप BMI से क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, ओवरवेट, ओबेसिटी और स्टैंडर्डाइजेशन पता होता है किससे, BMI से। ऑप्शन होगा इसका ए, BMI का पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 37, 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है, स्तर होता है, कितना होता है, व्हाट इज द हीमोग्लोबिन लेवल इन न्यूबॉर्न बेबी या न्यूबॉर्न में। तो ऑप्शन होगा इसका बी, 18% होता है। कितना होता है, 18% होता है। ऑप्शन होगा इसका बी, देख लें, क्वेश्चन एग्जाम से में पूछा जा चुका है और यहाँ पर भी रेंज कुछ एडिशनल जानकारी आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये लिखा है, बच्चों में क्या होता है, ये वेरी होता रहता है, बदलता है। तो देख सकते हैं, न्यू बॉर्न बेबी की अगर बात करेंगे तो 14 से 24 के बीच में ये ग्राम प्रति डेसीलीटर लिखा है। यहाँ पर ध्यान रखें, DL में लिखा है और ये G/L में लिखा है, मतलब ये लिखा है ग्राम प्रति लीटर में लिखा है। तो आपको इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस से ध्यान रखना है, कोई भी आपको एग्जाम्स में मिल सकता है। जो बच्चों का जो HB लेवल होगा वो इतना हो सकता है, ठीक है, इसके 14 और 24 के बीच में, मतलब 14 to 24 के बीच में हो सकता है न्यू बॉर्न बेबी में क्या है, HB, हीमोग्लोबिन लेवल। ये ग्राम प्रति ग्राम पर डेसीलीटर में है और यहाँ पर लीटर में दिया गया है। लीटर में आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, और इन्फेंट में क्या होता है, इन्फेंट में 9.5 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर, यहाँ पर डेसीलीटर में ये दिया गया और ये ग्राम पर लीटर में दिया गया है। दोनों वैल्यू आप याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेन के लिए जो रेंज होती है, नॉर्मल रेंज जो हीमोग्लोबिन की होती है एक मेन पर्सन के लिए, ये 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर में होता है, ये डेसीलीटर में यहाँ पर बताया गया आपको। और वुमेन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, वुमेन में क्या होता है, HB का लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 12 से 15 के बीच में होता है, 12 से 15.5 के बीच में, मतलब 12 to 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर, इसलिए भी क्या है, डेसीलीटर में दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी ये आपके लिए एडिशनल जानकारी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 पढ़ लें, अपना आंसर बताएं जल्दी से। किसी व्यक्ति का BMI स्कोर कितने से कम होने पर अंडरवेट कहलाएगा। हाउ लॉन्ग इज अ पर्सन BMI स्कोर व्हाट विल बी कॉल्ड ओवर सॉरी अंडरवेट। अंडरवेट कहेंगे किसी भी व्यक्ति को अगर उसका BMI कितने से कम है। ऑप्शन क्या होगा इसका,
ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स बी, कितना 18.5 से अगर कम होगा तो उसे हम कहेंगे ये क्या है, अंडरवेट है। बीएमआई स्कोर, बीएमआई स्कोर से आपको पता चलता है अंडरवेट, ओवरवेट, ओबेसिटी, मोटापा और कितना व्यक्ति स्टर्नाइजेशन में कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें नॉर्मल जो बीएमआई रेंज होती है वो होती है 18.5 से 25, ठीक है, 18.5 से 25, 25 के बीच में जो बीएमआई रेंज होती है नॉर्मल होती है। फिर अंडरवेट कब माना जाता है, जब 18.5 से कम होता है, 18.5 से कम होगा तो इसे क्या कहेंगे हम, अंडरवेट कहेंगे। ओवरवेट कब माना जाता है, जब 25 to 29.5 मतलब 25 से 29.5 के बीच में होगा तब उसे कहेंगे कि ओवरवेट है। और ओबेसिटी कब होता है, जब बहुत मोटा हो जाता है व्यक्ति, स्थूल काय बोला जाता है हिंदी में, इसका जब बीएमआई रेंज 30 से अधिक हो जाएगा तब कहेंगे ओबेसिटी, ये बहुत ज़्यादा मोटा है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पढ़ लें और अपना आंसर बता सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 39 पे, क्वेश्चन नंबर 39 पे लिखा है कि बर्थोलिन ग्लैंड जो ग्रंथि होती है उनमें से किसमें मौजूद होती है, तो यहाँ पर देख लें ऑप्शन क्या होगा इसका। ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स बी, इन वेजाइना, कहाँ, वेजाइना में। बर्थोलिन ग्लैंड क्या होती है, वेजाइना में सिचुएटेड होती है, वेजाइना के दोनों ओर पाई जाती है, क्या कहती है, वेजाइना को लुब्रिकेट करती है मतलब चिकना बनाए रखती है। ठीक है, बर्थोलिन ग्लैंड ऑप्शन होगा इसका भी, वेजाइना में पाई जाती है। यहाँ पर जानकारी के लिए थोड़ी एडिशनल जानकारी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ये लोकेटेड होती है, बर्थोलिन ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन ईच साइड, ये दोनों ओर होती है, क्या होती है, ईच साइड में होती है, वेजाइनल ओपनिंग में। फिर लिखा है दे सिक्रेटेड फ्लूड, ये क्या होता है, एक फ्लूड को क्या करता है, सिक्रेट करता है, हेल्प लुब्रिकेट द वेजाइना, ये वेजाइना को क्या करता है, लुब्रिकेट मतलब चिकना बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर 40 नंबर, 40 नंबर पढ़ लें अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 लिखा है नवजात शिशु के पहले मल को क्या कहते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टूल ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी अकॉर्डिंग टू, ऑप्शन क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन है इसका बी फ्रेंड्स, क्या होगा, ऑप्शन है बी, मिकोनियम कहते हैं, क्या कहा जाता है, मिकोनियम कहा जाता है। अधिक जानकारी के लिए यहां पर आप पढ़ लें, ये लिखा हुआ जानकारी आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है यहां पर 41, 41 नंबर, ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करें यही अच्छा है आपके लिए, और आप देखें आपकी आपका कैसा परफॉर्मेंस जा रहा है, आप कितनी स्कोरिंग कर रहे हैं, कि आपकी तैयारी चल रही है किस हिसाब से, आपको अभी कितना पढ़ना है। ये लिखा है इंटरनेशनल ये सॉरी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, व्हेन वाज द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एस्टेब्लिश अकॉर्डिंग टू, ऑप्शन अपना आंसर बताएं। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स 1947, ऑप्शन है इसका बी 1947, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जो स्थापना की गई थी 1947 में की गई थी, ऑप्शन इसलिए क्या होगा इसका बी होगा। यहां पर आप देख सकते हैं इसके कार्य क्या हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल के, यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो प्रिंसिपल सिद्धांत, नर्सों और नर्सिंग शिक्षा और दाइयों और स्वास्थ्य आगंतुकों के लिए प्रशिक्षण की वर्दी मानक, मतलब उनका जो स्टैंडर्डाइजेशन मानक होता है उसको तैयार करना है, वो उसको इसको एस्टेब्लिश करना है, फाउंडेशन करना। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 42 नंबर, 42 नंबर पढ़ लें, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताएं अपना आंसर जल्दी से, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन नर्सिंग काउंसिल लोकेटेड, क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन है इसका फ्रेंड सी, न्यू दिल्ली में, कहाँ है, न्यू दिल्ली में, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, ऑप्शन है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43, 43 नंबर क्वेश्चन पढ़ें जल्दी से अपना आंसर बताएं। भारतीय चिकित्सा परिषद MCI का नया नाम क्या है, यह अभी चेंज किया गया है सितंबर 2020 में, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन है इसका नेशनल मेडिकल कमीशन, ऑप्शन क्या है इसका बी, नेशनल मेडिकल कमीशन रखा गया है, नेशनल मेडिकल कमीशन हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग रख दिया गया, पहला नाम था इसका भारतीय चिकित्सा परिषद लेकिन इसको सितंबर 2020 में चेंज कर दिया गया, यह आप ध्यान रखें 2020 में इसका चेंजमेंट किया गया है, चेंज करने के बाद इसका जो भारतीय चिकित्सा परिषद का नया नाम रखा गया है वो है नेशनल मेडिकल कमीशन, आप यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में देख सकते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। इसके कार्य क्या है यहाँ पर थोड़ा सी एडिशनल जानकारी है, आप देख सकते हैं जो भी कार्य MCI के थे, जो भी कार्य MCI के थे वही कार्य राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के होंगे, सितंबर 2020 में यह अस्तित्व में आया, भारतीय चिकित्सा परिषद स्वतः भंग हो गई है और लगभग 63 वर्ष बाद इसको भंग किया गया है, समाप्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 44, 44 नंबर क्वेश्चन पढ़ लें अपना आंसर बताएं जल्दी से। ये लिखा है LHV लेडी हेल्थ विजिटर, इसी का पूरा नाम लिखा है, कोर्स किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, किस वर्ष शुरू किया गया था भाई, ये किया गया था 1918 में, ऑप्शन होगा इसका बी, और ये दिल्ली में पहली बार स्टार्ट किया गया था, कहाँ, दिल्ली में स्टार्ट किया गया, दिल्ली में स्टार्ट किया गया था,
और इसमें 12 स्टूडेंट इसके अंतर्गत लिए गए थे। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 2 साल का होता है। लेडी हेल्थ विजिटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इसका ईयर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 45 नंबर, 45 नंबर, किस वर्ष में ANM का प्रशिक्षण कार्य 24 महीने से घटाकर 18 महीने कर दिया गया। इन विच ईयर द ट्रेनिंग वर्क ऑफ द ANM वाज रिड्यूस फ्रॉम द 24 मंथ टू 18 मंथ। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन इसका फ्रेंड्स डी। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन इसका डी, 1977 में, 1977 में इसका जो प्रशिक्षण ईयर था, मतलब प्रशिक्षण के जो मंथ थे, 24 से 18 कर दिया गया था 1977 में। ऑप्शन होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 46, जल्दी से पढ़ाएं अपना आंसर बताएं जल्दी से पढ़ के। गर्भावस्था के दौरान औसतन कितना वजन बढ़ता है? व्हाट इज द एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन इस फ्रेंड इसका बी, 12 से 13 ग्राम के आसपास, सॉरी केजी लिखा है यहाँ पर, 12 से 13 किलो के आसपास या नियर अबाउट। आप इतना ही ध्यान रखें कि 12 से 13 केजी के बीच में क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान वेट बढ़ता है या वेट गेनिंग होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट, आप समझ लें, अगर ऑप्शन में आपको ऑप्शन बी मिल जाए 12 से 13 केजी तो ऑप्शन सही माना जाएगा, लेकिन हो सकता है कभी कभी नहीं मिलता तो आपको ऑप्शन 10 से 12.5 के बीच मिले, 10 टू 12.5 केजी के बीच मिलेगा। ये बात ध्यान रखना है, किलोग्राम होगा या केजी होगा, ग्राम में नहीं होगा, ठीक है, केजी वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये रेंज एक ही है, इस पर भी फोकस करें। 10 से 12.5 मिलेगा, दोनों में से एक ही मिलेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 47, पढ़ लें अपना आंसर बताएं जल्दी से। स्तनों में दूध के निर्माण में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? विच हार्मोन इज हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द ब्रेस्ट? दूध के निर्माण की बात की जा रही है यहाँ पर, तो क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन होगा इसका सी, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है? दूध के निर्माण में सहायक होता है और दूध के जो इंजेक्शन में सहायक होता है उसे ऑक्सीटोसिन के नाम से जाना जाता है। ये हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं आपके लिए, आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं क्या है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, आप पढ़ लें, क्वेश्चन नंबर है 48, क्वेश्चन नंबर 48 पे लिखा हुआ है, एक औरत जो पहली बार गर्भवती होती है उसे क्या कहा जाता है? व्हाट इज अ वुमेन हु गेट्स प्रेग्नेंट फॉर फर्स्ट टाइम? तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन होगा इसका बी, प्राइमी ग्रेविडा कहा जाता है। प्राइमी ग्रेविडा का मतलब यही होता है कि कोई भी वुमेन जो पहली बार प्रेग्नेंट होगी उसे प्राइमी ग्रेविडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका बी। यहाँ पढ़ लें आप इंग्लिश में, अ वुमेन हु इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, इस वजह से उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी ग्रेविडा कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, पढ़ लें अपना आंसर बताएं जल्दी से। किस वजन वाले शिशु को कम वजन वाला शिशु कहेंगे? विच वेट बॉय बेबी वुड बी कॉल्ड अ लो वेट बेबी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? अपना आंसर बताएं, इसी तरह एग्जाम में पूछा गया था, ऑप्शन होगा इसका बी। यहां पर लिखा है लेस देन 2500 ग्राम, मतलब 2500 ग्राम से अगर कम होगा तो उसे क्या कहेंगे? LBW कहा जाएगा, ठीक है, कम वजन वाला शिशु कहा जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, इस तरह भी आ जाता है ऑप्शन में, लेस देन 2500 ग्राम, और वैसे क्या होता है 2.5 kg होता है, आपको ये बात ध्यान रखना है। अगर लेस देन इतना kg यहाँ पर लिखा हो लेस देन में, तो आपको 2.5 kg में बात करेंगे, ग्राम में यहाँ पर बता दिया गया है, ग्राम में ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर पाउंड में बात करेंगे, एवरेज जो बेबी का वजन होता है पाउंड में, अगर 8 पाउंड से कम है तो उसे क्या कहेंगे? LBW मानेंगे, अगर इससे कम है, 8 पाउंड से कम है, ठीक है, ग्राम में ये लिखा हुआ है 25, ये लिखा है 2500 ग्राम, अगर केजी में बात करेंगे 2.5 kg हो जाएगा, इससे अगर बेबी कम जन्मा है एट बर्थ टाइम तो उसे क्या कहेंगे? LBW कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ लें जल्दी से आंसर बताएं अपना। क्वेश्चन नंबर 50 लिखे, मानो दूध में पाया जाने वाला प्रमुख इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है? व्हाट इज द मेजर इम्यूनोग्लोबिन फाउंड इन ह्यूमन मिल्क? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स बी, ऑप्शन क्या है? IgA, ऑप्शन होगा इसका बी फ्रेंड्स। IgA क्या होता है? इसका 90% मिल्क प्रोडक्शन में क्या होता है? योगदान होता है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है 90% होता है, द मोस्ट एविडेंट इम्यूनोग्लोबिन इन ह्यूमन मिल्क IgA पाया जाता है, जो 90% रिप्रेजेंट करता है ऑफ द मिल्क एंटीबॉडीज का। और ये एक प्रकार के क्या होते हैं? एंटीबॉडीज होते हैं। कौन? इम्यूनोग्लोबिन, ये जो IgA की बात कर रहे हैं, एक प्रकार के क्या होते हैं? एंटीबॉडीज होते हैं। यहाँ पर आप पढ़ लें, इसके अलावा भी इम्यूनोग्लोबिन जी या एंटीबॉडी जी एंटीबॉडीज एम भी पाया जाता है, लेकिन किसके अपेक्षा कम पाया जाता है? IgA की अपेक्षा कम पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन होता है 90% वो होता है IgA का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51, पढ़ लें जल्दी से आंसर बताएं अपना। गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी?
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताएं। ऑप्शन होगा इसका सी, 280 दिन। यहां पर देख लें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 52। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ें और अपना आंसर बताएं जल्दी से। स्तनों में दूध के इजेक्शन में कौन सा रिफ्लेक्स सहायक है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछा गया है, एग्जाम्स में कमीशन में इसी तरह पूछा गया था, विच रिफ्लेक्शन इज हेल्पफुल इन इजेक्शन ऑफ द मिल्क, मतलब दूध निकालने के लिए। ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन होगा इसका बी, ये लिखा है लेट डाउन रिफ्लेक्स, इसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड इज द लेट डाउन रिफ्लेक्स, इसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये दूध निकालने के लिए जिम्मेदार होता है और दूध के प्रोडक्शन के लिए, बनाने के लिए वो प्रोलैक्टिन होगा। ठीक है, प्रोलैक्टिन के बारे में बात करेंगे, उसमें हमने बता दिया है ऊपर, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, ये क्या यहाँ पर लिखा है, द ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द लेट डाउन रिफ्लेक्स, इसे क्या होता है, कभी कभी लेट डाउन रिफ्लेक्स नाम से भी जाना जाता है। ये दूध निकालने के लिए, मिल्क इजेक्शन के लिए सहायक होता है, और दूध प्रोडक्शन के लिए कौन सहायक होता है तब आप बताएंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। क्वेश्चन है यहाँ पर 53, क्वेश्चन 53 पे लिखा हुआ है, प्रसव में लेबर में निम्न से कौन सा हार्मोन सहायक होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज हेल्पफुल इन लेबर, क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स डी, यहां पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ऑप्शन होगा इसका डी फ्रेंड, ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन हार्मोन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, लेबर में सहायक हार्मोन्स माने जाते हैं। ठीक है, हिंदी में यहां देख लें आप, हिंदी में इस तरह लिखा जाएगा, ऑप्शन होगा इसका डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहां पर 54, यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन, डिटेल ज़्यादा समझना है आप तो पिछले वीडियो हमारे सभी देख लें आप, टेस्ट सीरीज, वहाँ से हम यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, इन एग्जाम आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। ओके, और अपनी आप तैयारी जांच सकते हैं यहाँ से। निखिल क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखा है 54 नंबर 54 पे आप पढ़ें, अपना आंसर बताएं। प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन में से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका फ्रेंड डी, ये प्लेसेंटा के द्वारा सभी हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, ये प्लेसेंटा के द्वारा सभी हार्मोन स्रावित होते हैं, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 55, पढ़ लें आंसर बताएं जल्दी से। मनुष्य के रज चक्र में कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डज मेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक, ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन है इसका बी, 28 दिन लगता है। कितना? 28 दिन, ये एवरेज आंसर है, 28 दिन, ऑप्शन बी है। रेंज यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपसे कोई रेंज की बात करिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसीडर टू बी बिगन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड, ये एवरेज डे होता है। कितना, कितने दिन का साइकिल होता है, 28 डेज का होता है। अगर रेंज में बात करें तो आप बताएंगे 21 से 35 दिन के बीच में, यहाँ पर पढ़ लें अच्छे से, और अगर समझ में ना आ रहा तो पिछले वीडियो देखें, बहुत डिटेल्स वहाँ पर हमने समझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 56, कौन सा हार्मोन प्रसव के समय गर्भाशय को संकुचन एवं शीतलन हेतु उत्तेजित करता है, विच हार्मोन स्टिमुलेटेड यूट्रस टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कौन सा हार्मोन्स होता है भाई वो? ऑप्शन है इसका फ्रेंड सी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये गर्भाशय के संकुचन एवं शीतलन के समय। ठीक है, प्रसव के दौरान काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, ऑप्शन होगा इसका सी। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, ये यहाँ पर दिया गया है, इट इज नॉर्मली प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड बाय द पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कहाँ से निकलता है, पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, यह स्रावित होता है, सिक्रेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पढ़ सकते हैं 57, 57 नंबर क्वेश्चन पढ़े, मनुष्य में निषेचन फर्टिलाइजेशन स्थल कौन सा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताएं। ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड सी, क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन नलिका, अगर बात करें यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब एम्पुला, इन एम्पुला तो एम्पुला में होता है, अगर ऑप्शन में एम्पुला लिखा होता तो माना जाता सही, लेकिन यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब है इसलिए ऑप्शन क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब होगा, ऑप्शन क्या है इसका सी। क्वेश्चन है यहाँ पर पढ़ें 58, पढ़ें जल्दी से अपना आंसर बताएं। यह लिखा PID, PID का मतलब होता है यहाँ पर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज, इसका मतलब होता है पेल्विक में क्या होता है, सूजन आ जाती है, या PID डिसीज के नाम से सबसे सामान्य जीव कारक कौन सा होता है, वो कौन सा बैक्टीरिया होता है जो PID के लिए जिम्मेदार होता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शन है इसका सी, निसेरिया गुनेरिया होता है, क्या होता है, निसेरिया गुनेरिया होता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑप्शन होगा इसका सी, ये PID के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। यहाँ एडिशनल जानकारी आपके लिए यहाँ से पढ़ लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लिखा है बैक्टीरिया का जो नाम है एक होता है, ऑप्शन में दिया नहीं गया था सीटी के बारे में, ये लिखा है क्लैमाइडिया
ये लिखा है ट्रेकोमेटिसिस, ये नहीं दिया गया ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन में दिया गया ये निसेरिया गुनेरिया दिया गया है। तो आप बताएंगे कि ऑप्शन क्या होगा सी, अगर ये भी दिया होता तभी तब आप बता सकते थे बोथ, लेकिन दोनों में से एक ही दिया गया। जब भी आप दिया जाए बोथ तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन में ये लिखा है क्लैमाइडिया ट्रेकोमेटिसिस और निसेरिया, ये लिखा है निसेरिया गुनेरिया, दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे, ठीक है। ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये बैक्टीरिया के नाम है। और ये जो पीआईडी होता है किसके माध्यम से फैलता है, ये एक प्रकार का इन्फेक्शन कहें हो जाता है, किस पर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, ये सेक्सुअल डिसीजेज होता है, क्या होता है एसटीडीएस होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के माध्यम से फैलता है, कौन सा पीआईडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 पढ़ लें, अपना आंसर बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 59 पे निम्न से गर्भावस्था है प्रेगनेंसी हार्मोन्स कौन कहलाता है या किसे कहा जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्रेगनेंसी हार्मोन्स, ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड्स बी प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है, किसे कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन को, ऑप्शन होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ लें, अपना आंसर बताएं जल्दी से। कुछ क्वेश्चन आपके लिए काफी रिवीजन के लिए नहीं, ज्यादा ज्यादा रिवाइज करें आप ताकि माइंड में आपके बने रहें ज्यादा देर तक, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा माइंड में स्थायी रहेंगे ये क्वेश्चन। ये लिखा है सिक टेस्ट किस रोग में किया जाता है, इन विच डिसीज इज सिक टेस्ट डन अकॉर्डिंग टू, ऑप्शन क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स डी डिप्थीरिया में किया जाता है, सिक टेस्ट जो किया जाता है वो डिप्थीरिया में किया जाता है, डिप्थीरिया डिसीज में किया जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं सिक टेस्ट डिप्थीरियल डिसीज में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके लिए, क्वेश्चन है 61 VDRL परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है या VDRL से किस चीज़ का परीक्षण किया जाता है या किस चीज़ की जानकारी प्राप्त की जाती है या किस चीज़ किस बीमारी का डायग्नोसिस किया जाता है, इस तरह आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। व्हाट इज द VDRL टेस्ट यूज टू डायग्नोसिस, किस चीज़ का डायग्नोसिस किया जाता है, ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन इसका डी फ्रेंड्स सिफिलिस का किया जाता है, ऑप्शन क्या होगा इसका डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछा जाता है VDRL का, फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताना है कि VDRL से क्या क्या किया जाता है, तो आप मोस्टली इसका आंसर में आपको ध्यान रखना है कि सिफिलिस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, डिटेल समझना है पिछले वीडियो सभी देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है MDT चिकित्सा परीक्षण या MDT जो टेस्ट किया जाता है किस रूप में किया जाता है, यहाँ रूप की जगह आप रोग लिख लेना, सॉरी गलती हो गई है यहाँ पर, मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक, तो आप देख सकते हैं इन विच डिसीज इज MDTT मेडिकल टेस्ट रिटर्न, किस चीज़ के लिए किया जाता है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है पढ़ लें, आंसर होगा इसका फ्रेंड सी, क्या होगा सी MDTT जो किया जाता है मल्टी ड्रग थेरेपी बोला जाता है इसे, ऑप्शन होगा सी, ये लेप्रोसी के लिए किया जाता है, किसके लिए लेप्रोसी या कुष्ठ रोग कहा जाता है इसके, आपको ध्यान रखना है जो MDT रिलेटेड है किससे, कुष्ठ रोग से या लेप्रोसी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए सभी, मोस्टली यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है इस प्रकार के टेस्ट से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 लिखा है महिलाओं में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन अकॉर्डिंग टू, ऑप्शन अपना आंसर बताएं, ये लास्ट वीडियो क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों ने सही आंसर दिया है, जिनका आंसर गलत है वो देख लें, ऑप्शन होगा इसका भी ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर, महिलाओं में जो सबसे अधिक जो सामान्य कैंसर होता है ना मोस्टली होता है वो स्तन कैंसर होता है, कौन सा, ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया और यही आंसर इसका सही है, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा होता है महिलाओं में। नेक्स्ट है यहां पर क्वेश्चन नंबर है 64, क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ लें और अपना आंसर बता सकते हैं आप, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। मानव दूध में प्रति 100 ml में औसत कितनी कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, हाउ लॉन्ग कैलोरी पर 100 ml ऑफ एनर्जी इज फाउंड इन ह्यूमन मिल्क, जो माँ का दूध होता है उसमें पर 100 ml में कितनी कैलोरी ऊर्जा पाई जाएगी, आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है किलो कैलोरी वाला ऑप्शन जब भी होगा गलत होगा, कैलोरी इस तरह लिखा होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए हम बताना चाहेंगे आपको, मोस्टली कई बुकों में गलत दिया गया और कई टीचर भी इसको गलत पढ़ा रहे हैं, जब भी पूछा जाता है गर्भावस्था के दौरान कितनी एडिशनल कैलोरी की जरूरत होती है एक वुमेंस को, एडिशनल मतलब अतिरिक्त कैलोरी की कितनी जरूरत होगी एक जो गर्भस्थ वुमेंस है, तो आपको ध्यान रखना है वो होता है 300 प्लस, कितना होता है प्लस 300 प्लस कैलोरी होता है, मोस्टली लोग इसमें किलो कैलोरी बताते हैं, ठीक है किलो कैलोरी बहुत हो जाता है, ठीक है आपको डिफरेंस पता होना चाहिए किलो कैलोरी में कितना क्या डिफरेंस होता है, पिछले वीडियो में अच्छे से बताया वहाँ पर आप देख सकते हैं जाके, तो आपको बताना है कितनी जो एक गर्भस्थ वुमेंस होगी उसको अतिरिक्त जो कैलोरी की जरूरत होगी मतलब एक्स्ट्रा कितनी कैलोरी की जरूरत होगी मतलब प्लस 300, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से समझाएंगे आपको, यहाँ पर किलो कैलोरी वाला मेरा मतलब ये है कहने का कि किलो कैलोरी वाला आंसर गलत होगा, यहाँ पर कैलोरी अतिरिक्त इतनी जरूरत होती है प्लस 300, ठीक है
ये गर्भस्थ वुमेन्स के लिए बात कर रहे हैं। आप सभी लोग इसका आंसर जरूर बताएं। ये जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर 64 नंबर। वीडियो कैसे लगा आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ एक बात ध्यान रखिए, इसका जो पार्ट वन है उसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देंगे देंगे 70 टेस्ट नंबर 75 का पार्ट वन आप जरूर सॉल्व करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जिससे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा वेटेज होगा। नेक्स्ट हम चैप्टर उस पर सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।